paint to read it. Assalamualaikum viewers, आज हम आपके लिए लाए हैं पेंट 3D. पेंट 3D एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ आप 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है. और जैसा कि आप देख सकते हैं ये फाइटर जेट का मॉडल कितना अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है. ये भी मैंने ही डिज़ाइन किया था और ये एक फैंटास्टिक फाइटर जेट डिज़ाइन हुआ है. आप देख सकते हैं इसके अंदर पॉलिश ग्लो मैंने दी हुई है और ये कूल लुक दे रहा है और ये सारी शेप्स इसमें इस्तेमाल हुई हैं. आगे जाके तुलकुत एल्प की कुल्हाड़ी आप देख सकते हैं, काइकल विली की कुल्हाड़ी है. अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ. और ये जूम 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 जूम, हाँ ये जूम हो गया. और आप देख सकते हैं मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, एकदम फाइन डिज़ाइन हुई हुई है और मैंने इसको पॉलिश ग्लो दी हुई है ताकि ग्लो एकदम चमक आए. और आगे देख सकते हैं ये ईगल कितना अच्छा डिज़ाइन हुआ हुआ है, ईगल कितना अच्छा सा डिज़ाइन हुआ है. इसके सारी शेप्स हैं, इसको मैंने हार्ड शेप्स एंड सॉफ्ट शेप्स, जिसको आप कहते हैं सॉफ्ट एंड हार्ड शेप्स, उससे डिज़ाइन किया. आगे जाके हम इसके ऊपर भी लेक्चर लाएंगे. और ये फंटास्टिक डिज़ाइन हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप ऊपर से भी. और आगे जाके DNA का मॉडल, DNA का मॉडल काफ़ी ज़बरदस्त था. ये इसमें DNA की एक एक चीज़ डिटेल से बनाई गई है और एकदम फुली फिनिश DNA का मॉडल है. आगे जाके बतख यानी कि स्वान, ये भी मैंने बनाई थी और ये बड़ा आसान था. ये और टोटली एक शेप है फुल और इसके ऊपर मल्टी कलर का दिया हुआ है. मल्टी कलर भी आपको देना सिखाएंगे कि मल्टी कलर कैसे देते हैं. मल्टी कलर दिया हुआ है मैंने और आप देख सकते हैं ये सिंगल शेप है. इसमें मजे की बात ये कि टोटली वन शेप डिज़ाइन है, ये वन शेप डिज़ाइन यानी कि इसके अंदर कोई और शेप ऐड नहीं हुई हुई. तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. आप देख सकते हैं मैंने कितना अच्छा स्टिकमैन बनाया है. इसके अंदर तलवारें भी हैं, इतने पकड़ी हुई हैं और इसके जूतों के ऊपर पॉलिश ग्लो है और बॉडी पीस की सही फिट है. और हर तरफ से देखें, इधर से भी, इधर से भी, नीचे से भी, पसंद आएगा इंशाल्लाह. और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है. इसके और लेक्चर्स भी जल्द से जल्द अपलोड होंगे. अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि कौन सा मॉडल आपको बहुत अच्छा लगा.